सर ये जो हमारे गोलगप्पे हैं पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हैं और जो हमारी ये चटनियाँ हैं ये भी पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हैं और बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, तो ये जो चटनियाँ हैं आप घर पे पीसते हो सारी? हाँ सर, ये कुछ चटनियाँ हम घर पे पीसते हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, साफ सुथरी तरीके से, और ये सब आयुर्वेदिक हैं और खाने में बहुत टेस्टी हैं। दोस्तों, अगर आप लखनऊ से हैं या लखनऊ घूमने जा रहे हैं तो चौक सर्राफ बाजार एरिया में रवि पतासे वालों के गोलगप्पे जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बनाते हैं पूर्णतः आयुर्वेदिक तरीके से गोलगप्पे और इनके पास होती हैं ये चटनियाँ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये सब आयुर्वेदिक तरीके से बनी होती हैं और इनके सारे फ्लेवर जितने भी होते हैं वो सब नेचुरल तरीके से बनाए गए फ्लेवर होते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपने ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं खाए होंगे। ये देखिए, पहला हींग का है, ये हींग का है, पहला पानी जल जीरे का है, पहला पानी जल जीरे का है, दूसरा हींग का है, अच्छा दूसरा हींग का, ये तीसरा आम पे आता है, आम मसाला, अच्छा आम का मसाला, ये मिर्च है, ये अदरक है, ये सौंफ है, सौंफ, अच्छा, ये पुदीना काला नमक, हाँ, ये जीरा है, अच्छा ये जीरा है, हाँ, ये सारे मसालों का मिक्सर मसाला है, सारे मसालों का मिक्स मसाला ये वाला, हाँ, एक आता अड्राई जो इससे बनता है स्पेशल। तो ये आप किस हिसाब से देते हो आप? ये 30 की प्लेट है, 11 फ्लेवर की, 11 फ्लेवर की, कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हो आप? सुबह 3 बजे से लगाते हैं, 3 बजे से 10 बजे तक, 3 बजे से रात को 10 बजे तक। ये जगह बताओ आप कौन सी? ये जो कुतवाली है, कुतवाली सर्राफा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउजी लगाते हैं, और ये जो आपकी मटर है ये मैंने आज तक ऐसी मटर नहीं देखी है, बिल्कुल घुली हुई है। इसके अंदर क्या क्या लगाते हो आप? इसमें कुछ नहीं लगते, मटर पकाते हैं। मटर पकाते हो, बिल्कुल घोल देते हो, बिल्कुल धीमी आंच पे पकाते हैं, बढ़िया आराम। अच्छा, और ये नींबू जो रखे हुए हैं, ये नींबू डालते हैं फ्लेवर। अच्छा, नींबू फ्लेवर के लिए डालते हो, और कोई खास बात? और कोई खास बात नहीं, हमारा जो मामला है रियल है, कोई से मिलावट नहीं है। अच्छा, ये जो चटनियाँ है बिल्कुल नेचुरल बनी हुई है, बिल्कुल नेचुरल घर की बनी, किसी सिल्की पीसी। अच्छा, सिल्की पीसी भी बनाते हो, ट्राई कर रहे हैं बाबूजी के गोलगप्पे लखनऊ के अंदर, क्योंकि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और ये बतासे दिखाओ आप, ये आ चुके हैं करारे एकदम बतासे हैं, और ये देखिए ये फ्लेवर के साथ, ये फोकस, ये पहला पानी जलजीरे का है, जलजीरे का पानी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जलजीरे का वाला गोलगप्पा है, ये हींग का है, ये हींग का गोलगप्पा है, और बहुत छोटा गोलगप्पा है और बहुत ही करारा, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पा है इनका, और मटर का साथ बहुत अच्छा आ रहा है। ये आम का मसाले का है, आम कच्चा आम है, ये पक्का आम है, कच्चा आम, ये कच्चा आम का है जो कि बहुत ही खट्टा हो सकता है। ये थोका फीका लगेगा, हरी मिर्च का है, बिल्कुल नॉर्मल हरी मिर्च का है, फीका लगेगा हल्का सा, हाँ, पता चले। ये अदरक का है सर जी, ये अदरक है, मिर्च वाले में तो वाकई में ऐसा लग रहा है मिर्च है, हाँ, हरी मिर्च है, ये अदरक का है, और आपकी जो मटर है ना, जवाब नहीं मटर का, वाकई में ये सौंफ का है, इसमें आप लगेगी सौंफ है, अदरक वाले में भी अदरक ही लग रही है जी। भाई मैंने तो ऐसे गोलगप्पे खाए नहीं है, अगर आपने खाए हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। ये पुदीना और काला नमक इसे महसूस, तो ये पुदीना और काला नमक है, ये जीरे का सर जी, मतलब जो इन्होंने बोल दिया ना तो फ्लेवर है वो आखिर तक खुशबू उसके अंदर है। अगर पुदीना काला नमक बोला है तो पुदीना काला नमक का टेस्ट अभी जीप पे आएगा, और ये सब मिक्स है, ये मिक्स है, और इसके बाद आता है नींबू, ये है मिक्स, ये सर जी नींबू का है, नींबू डाला है बाबूजी ने। अब आप कहेंगे लास्ट बचा स्पेशल वाला, क्योंकि बहुत ही लाजवाब होगा, स्पेशल है गोलगप्पे के अंदर भी गोलगप्पा, ऊपर से मटर और मसाला, चटनी, अरे वाह, आपको लगे रहे हम कितने खा गए, ये एक बार में खाना है क्या? हाँ जी, और नहीं खा पाए तो फिर कोई जुर्माना तो नहीं है? जुर्माना नहीं, कोई जुर्माना नहीं भैया, जुर्माना हम तो खा जाएंगे।
सब आयुर्वेदिक है, ना लहसुन है, ना प्याज है, ना रंग है, ना टाटरी है, कुछ नहीं, सब जो भी है नेचुरल है। वैसे पानी जो बनाते हो आप वो भी आयुर्वेदिक तरीके से? हाँ बिल्कुल, बॉयल आम का है ये, इसमें टाटरी रंग कुछ नहीं होगा। अच्छा, पानी फिल्टर रखो का है और बिस्लरी का पानी। सराफा बाजार बाबूजी गोलगप्पे बहुत बढ़िया है, हर फ्लेवर नेचुरल है, आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक गोलगप्पे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सब हींग का, चटनी का, नमक, पुदीने का, सब फ्लेवर इस पर लगे हुए हैं और गोलगप्पे भी बहुत करा रहे हैं। और मटर दिखाओ जरा, मटर देखो, ये मटर है ना, ये इतनी घुली हुई है, आपको लग नहीं रही होगी मटर है, ये वाकई में मटर है और इतनी घुली हुई मटर खाने में इतना स्वाद आ रहा है इसमें, इसका कोई जवाब नहीं है। और साथ में नेचुरल पानी, इसमें बिस्लेरी का पानी लगाते हैं और नेचुरल तरीके से पानी बनाते हैं, कोई भी रंग वगैरह नहीं लगाते। रंग टाटरी होती है। तो अभी लखनऊ आ रहे हैं और चौक पर आ रहे हैं तो इनके गोलगप्पे ट्राई करके ज़रूर जाएं। और 30 रुपये की प्लेट है, इसमें 11 गोलगप्पे आएंगे। 30 30 की है ना, 30 रुपये की प्लेट है, इसमें 11 गोलगप्पे आएंगे और 11 तरीके